यहाँ पे बहुत लोग स्नान भी कर रहे हैं, मानते हैं कि पवित्र है। आप भी आओ तो आप भी यहाँ नहा सकते हो, बट यहाँ पे चेंजिंग के लिए कोई रूम है ये तो मुझे लगता नहीं है, आप ही को ही मैनेज करना पड़ेगा। सो देख लीजिए, ये है आपका समंदर, है अच्छा चेंजिंग रूम। हमने यहाँ से एक होटल लिया है, लेकिन एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर होटल बुक नहीं किया है तो करके आइए, रामेश्वरम में होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से। सो अभी हम बढ़ रहे हैं होटल की तरफ, बीच का एंजॉयमेंट तो हो गया है, सो वहाँ जाकर तीन ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। चढ़ गए तो ये देखिए गाइस, ये है आपके सामने खुला समंदर। ये ठीक है आपके सामने जो देख रही है वाटर बॉडी, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल। एंड यहाँ से कुछ किलोमीटर जाने पर ही आपको श्रीलंका दिखेगी, भले यहाँ से नहीं दिख रहे लेकिन दिख जाएगी जाने पर। ये देखिए आपका अशोक स्तंभ, ये रहा हमारा अशोक स्तंभ, माने हमारा नेशनल एम्ब्लेम। देखिए गाइस, पानी एकदम सी ग्रीन कलर का है, दक्षिण में लहराता सागर धरती के पांव खारती है। वाओ, देखिए यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए कितना कुछ है। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। हवा जितनी तेज और उतनी शीतल है, उतना ही पानी भी नीला है। प्योर ईश्वर माए और धनुषकोटि ना आए तो क्या देखा यार। इवनिंग मेरे दोस्तों, हमने 8 बजे अपने होटल चेकआउट किया है और अभी मैं हूँ रामेश्वरम स्टेशन में, मेरे पीछे जो है वो है रामेश्वरम स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा रामेश्वरम स्टेशन और यही से हम कन्याकुमारी की गाड़ी पकड़ने वाले हैं, जो कि एक्चुअली थी 9 PM पे, लेकिन अब वो रीशेड्यूल होके थोड़ा डिले हो गई है और अब वो हो गए 10:45 PM को। तो हम वही जा रहे हैं, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और यहीं पे हमारी गाड़ी आने वाली है। अभी बज रहे हैं 10:12 और ये रहा हमारा स्टेशन। हमारा कोच नंबर है S2 और वो बहुत दूर है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं और आई गेस इनमें से बहुत लोग कन्याकुमारी की गाड़ी पकड़ने वाले हैं। ओह आई थिंक हमारी गाड़ी आने वाली है, वो देखिए
सूरज की तरह रोशनी आ रही है। ये देखिए, ये है ड्राइवर्स केबिन। तो चलिए अब हमको अपनी कोच ढूंढनी है। ये रही हमारी कोच S2। ये देखिए क्या सा हाल है। फ्लैश लाइट से अब मेरे को ट्रेन को आलोकित करना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। तो जैसा कि होता है, अच तो आ गई। तो ये हम लोगों की सीट नंबर है 63 इधर है और बाकी इधर है। तो गाइस ये देखिए बाहर की हालत है। चावल का तो नामो निशान नहीं। यहाँ पे जो खाना सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है इडली, डोसा, और यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। और कई कबार पूड़ी या फिर पराठा ऐसे भी मिल जाते हैं। और रामेश्वरम बीच देखने के बाद हम सुबह सुबह एक मंदिर में गए थे जिसे हम रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उस मंदिर में ऑब्वियसली किसी भी मंदिर में वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपने कैमरास लेकर नहीं गए। वरना तो मैं आपको मंदिर के अंदर का व्यू भी दिखा देती। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने आपको दिख रही है ये है हम सफर एक्सप्रेस। अभी टाइम हुआ है 10:54 और ये अभी रुकी हुई है। हम स्टेशन के बाहर है क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेन छूटी नहीं है। अगर ये चलने लग गए ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस ये देखिए, यही है वो फेमस पवन ब्रिज जहाँ से हमारी ट्रेन जा रही है कन्याकुमारी। हम बैक कर रहे हैं और देखिए इसमें कोई रेलिंग नहीं है, सीधा आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। और उस पार